नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाल फिलहाल 30 नवंबर को उत्तराखंड डीएलएड ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया था, तो अब उसकी जो आंसर कीज़ है उसी का बच्चे वेट कर रहे थे। तो आप सामने देख सकते हैं आंसर कीज़ जो है अपलोड हो चुकी है और जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी मिल जाएंगी और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आपको ये आंसर कीज़ मिल जाएंगी और हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है 9906161501 में भी अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको आंसर कीज़ दे देंगे। ठीक है, तो ये आप सामने देख सकते हैं, अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। और सूत्रों से पता चला है कि इस बार जो उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम था करीब मेरे ख्याल से 8000 के आसपास और 10000 के आसपास बच्चों ने जो है इसका एग्ज़ाम छोड़ा है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली वो ये है, बोर्ड से यही पता चला है कि इस बार का जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो बहुत सरल था। और सरल इसलिए था क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस थे वो रिपीट हुए थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जिन बच्चों ने ढंग से पढ़े हों, ढंग से करे हो ना, उन्होंने जो है इस बार निश्चित रूप से बाजी मार लेंगे। ठीक है, बाकी कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ कितनी जाएगी, देखिए कट ऑफ का भी वीडियो मैं बना दूंगी जब अपडेट मुझे वहाँ से मिल जाएगी, मतलब आने वाले कुछ 10-15 दिन में पता चल जाएगा कि किस तरीके से कट ऑफ जा रही है, तो मैं वो उस हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो यही है बच्चों अपडेट कि उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो पेपर हुआ था आंसर कीज़ रिलीज़ हो चुकी है, अपने आंसर को टैली कर लीजिए। यहाँ पर यह है कि अगर किसी भी बच्चे को आपत्ति है कि उनका जो आंसर कीज़ है वो मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी प्रोसीजर ये है कि वो वहाँ पे डायरेक्टली जो है अपनी अपील कर सकते हैं प्रत्यावेदन में। तो प्रत्यावेदन का फॉर्म भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखा देती हूँ। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, सारी अपडेट मिलती है उत्तराखंड की, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, चाहे जो भी उत्तराखंड में कोई भी फॉर्म आ रहे हो, और बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरें। किसी को कोई करियर गाइडेंस चाहिए तो 399 रुपीज़ पे करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमारी टीम जो है आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगी और आप हमसे करियर गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको दिखा देती हूँ प्रत्यावेदन का भी, आप देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये है उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रत्यावेदन का फॉर्म। अगर जो भी अभ्यर्थी को लगता है कि भाई उनको ऑब्जेक्शन है इस आंसर में, इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, तो अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रम नंबर, अभी पूरा अपना जो पत्र व्यवहार वगैरह और जो भी है प्रश्न पूछने सेंट में जो भी आपके पास आई थी उस हिसाब से यहाँ पे, और यहाँ पे अपना पूरा डिटेल इसमें पूरे भर सकते हैं। ठीक है, और जो है उनको मेल कर सकते हैं, आई थिंक पत्र में केवल एक ही प्रश्न दिए जाएंगे और ये उनका मेल आईडी है और उसमें अपना पूरा हस्ताक्षर वगैरह ये भी कर दीजिएगा। और आई थिंक अगर आपने इसको मेल के अलावा शायद आपने इनको कोरियर करना है तो वो भी इसमें ऑप्शन है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि किस तरीके से जो है आपका प्रत्यावेदन वहाँ पे स्वीकारा जाएगा और किस तरीके से आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों फॉर्म जो है हमारी टीम से ले सकते हैं, जैसा कि मैंने नंबर आप लोगों से शेयर कर ही दिया। तो बस बच्चों, यही था अपडेट आप लोगों के लिए कि आंसर किस रिलीज़ हो चुकी है, टैली कर लीजिए और जैसे ही मेरिट आएगी कि कितनी जा रही है कट ऑफ, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगी बहुत जल्दी, विद इन 10 दिन में आइडिया लग जाएगा कि कितनी मेरिट जा रही है। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।